बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा एक काम करना, घर घर जाकर मेरी तरफ से प्रणाम कहना। बालाघाट में फिर एक दशक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी श्रीमती भारती पारधी व फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में उपस्थित अपार जनसमूह से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी शिकायत को लेकर दूसरे देश के पास जाती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अपने मुद्दे पर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत में बात करने आते हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली। साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आधुनिक सुविधाओं को लेकर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, आज तक देश में ऐसा कोई सरकार में नहीं किया, तो अभी यह ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ करना है। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली। एक तो उनके मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था और सामान्य मानवीय आजादी के आंदोलन में त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया और एक छोटी सी कोठरी, छोटा सा परिवार का कुर्बान हावी हो गया। और उसी की सोच देश को पिछड़ेपन की तरफ धकेल दी गई। कांग्रेस सोचती थी हम तो गरीब देश है और गरीब देश को आधुनिक सड़कों की, आधुनिक रेल की, नए एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। कांग्रेस के बड़े नेता जिन दो तीन बड़े शहरों में रहते थे, वहां अपने लिए जिला हिस्सा कर ये लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही बीजेपी सरकार देश के हर शहर को, देश के हर गांव को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया। आज चाहे यहाँ सिवनी नागपुर के बीच फोर लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, बीच प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्पेशल योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, भारत का मान बढ़ा रहा है, सम्मान बढ़ा रहा है, अपनी कर्मठता से, कार्यकुशलता से हर प्रकार के कामों का जनता के बीच में सुशासन के साथ पारदर्शिता की स्थापना करने के लिए संकल्पित यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद है। ये और आनंद की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी, बालाघाट को टाइगर जिले के नाम, टाइगर स्टेट के नाम से भी